हेलो मैडम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो मैं ये कह रही थी कि ये सब ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? ये मुझसे ऐसे मिलना, इस तरह मेरे पास आना, मुझे घूरना। मैं तुम्हें कहाँ खो रहा हूँ? Yes, you are. Nope. Okay, then good night. आप जाइए। नहीं नहीं नहीं, पहले आप जाइए। Ladies first. वेदिका कमरे में जाने ही वाली थी, वो सेफ खोलती हमें प्रूफ मिल जाता, पर उसी समय सागर वहां कैसे पहुंच सकता है? सागर और वेदिका? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ये होने नहीं देंगे। इससे पहले कि उन दोनों में नजदीकियां बढ़े, प्यार व्यार का चक्कर शुरू हो जाए, हम उन्हें अलग कर देंगे। हाँ, सरस्वती के बाद अगर हम किसी से नफरत करते हैं ना, तो वो है ये जूनियर कनकचूरी वेदिका शर्मा। I hate you. ये देखो, तुम दोनों के लिए क्या लाई हूँ। कल पूजा में यही पहनना। आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं, तुम दोनों मेरी बेटियों जैसी हो ना, तो मैंने वही रंग चुने जो जानवी और यामिनी को पसंद थे। अब आप चाहती ही है कि हम ये पहन ले, तो इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं रेड चूज कर सकती हूँ? ओह माय गॉड, मैं भी यही कहने वाली थी। प्लीज मुझे व्हाइट वाली ड्रेस दे दो, इट इज माय फेवरेट कलर। व्हाइट यामिनी का फेवरेट कलर था और रेड जानवी का। रियली आंटी, जब आपको जानवी और यामिनी मिल जाएंगे, तब तो हम दोनों का पत्ता कट हो जाएगा। कितनी नाराज हो जाएंगी वो दोनों। वही तो, पहले हमने उनके नाम के स्वेटर्स ले लिए और अब ड्रेस भी। बिल्कुल भी नहीं, उल्टा वो दोनों खुश होंगी और कहेंगी कि हम नहीं थे तो तुम दोनों ने हमारे मामा का कितना अच्छे से ख्याल रखा। आंटी, ये सवा मनी की पूजा पिछली बार किसी खास रीजन से हुई थी ना? कंपनी का नया चेयरमैन चुना गया था। आप बनी थी ना चेयरमैन? गौतम और मैं। वाओ, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? इंटरनेट पे देखा है मैंने, और मुझे ये भी पता है कि आंटी ने एमबीए किया है और वो एक बिजनेस वुमन है। फिर आप ऑफिस क्यों नहीं जाती? वो एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था। गौतम मुझे छोड़कर चले गए, मेरी बच्चियां मुझसे बिछड़ गई।
मुझे अपना ही होश नहीं था, काम और कारोबार क्या संभालती। लेकिन आंटी, आपकी बेटियां इतनी बड़ी तो थी ना कि उन्हें अपना नाम और एड्रेस सब कुछ मालूम हो, और जयपुर में आपकी फैमिली को कौन नहीं जानता, तो वो घर आ सकती थी। नहीं, मैंने भी यही सोचा, डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने कहा कि 5 साल की उम्र तक हमारी यादें मिट सकती हैं, खास करके किसी ट्रॉमा के बाद। फिर वो एक्सीडेंट इतना भयानक था, उसने मेरी जानवी और यामिनी के दिमाग पर, उनकी यादों पर असर तो किया होगा। कोयल, आंटी बिल्कुल सही कह रही है। क्या तुम्हें याद है जब तुम 5 साल की थी तब क्या हुआ था? हाँ, मुझे कुछ कुछ याद है। जो हुआ एक्सीडेंटली, उसका हिसाब बराबर नहीं करना चाहेंगे आप जैसे मैंने किया था? देखिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं ना आपके अगेंस्ट केस फाइल कर दूंगी। श्योर, पर दफाएं क्या लगाएंगे आप? दफा ये सब छोड़ दीजिए। परसों पूजा के बाद यहां से दफा हो जाऊंगी ना, तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। परसों जा रही हैं आप? जी हाँ। सच में? हाँ, पूजा खत्म होने के बाद चली जाऊंगी मैं यहां से। कोई बहाना भी तो नहीं है मेरे पास मिस शर्मा, जिसके कारण मैं आपको यहाँ रोक सकूं। पूजा के बाद तो अब आपको जाना ही होगा। बड़ा ब्लश कर रही हो, क्या चल क्या रहा है मैडम? क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं। दफा 420 से मिलने गई थी क्या? कोयल, सॉरी, परम पूज्य आदरणीय सागर महेश्वरी जी से मिलने गई थी। मिलने नहीं गई थी, मिल गए वो। मिल गए वो, वाओ। अच्छा, सच्ची बताओ, कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं कोयल, कुछ भी नहीं। अब बता भी दो ना। अच्छा, मेरा सब कुछ छोड़ दो, पहले तुम बताओ, तुम्हें कोई लड़का पसंद है? हाँ बिल्कुल। कौन है वो? हाय, मेरा एजी। एजी? कौन एजी? ओ, तुम एजी को नहीं जानती? आजकल हर लड़की का सपना एजी, हर लड़की की दिल की धड़कन
सुपरस्टार आयान ग्रोवर जो कि कल आ रहा है। ओह माय गॉड, अपनी किसी शूटिंग के लिए आ रहा है वो यार। मेरे दिल पर अपनी आंखों से गोली चलाने आ रहा है वो। हाय, मैं तो अभी से मर गई। तुम भी बहुत फिल्मी हो। वो तो मैं हूँ। तुम भी ना सच्ची। चांदी सी चमकती लहरों को छूकर जो हवा का झोंका आया है, कितना शीतल है। नर्म पंखुड़ियों को छेड़ती सी जो बूंद टपकी है, कितनी निर्मल है। तुम्हारे मन से, तुम्हारी सुगंध से महकता जो ख्याल आया है, कितना मादक है। और मुझे छूकर तुम तक जो सवाल पहुंचा है, कितना प्यासा है। क्या यही प्यार है? सच में क्या यही प्यार है? मेरी इयररिंग। ये बेचैनी, ये उदासी क्यों मैं शर्मा? आपको तो जाना ही था, फिर आपके जाने की इस बात से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं किसी मकसद से यहाँ आई हूँ, एक सच, एक राज का पता लगाने, जो राजेश्वरी महेश्वरी ने अपने ही पोते से छुपा रखा है। कल एक बार मुझे वो फाइल मिल जाए, उसके बाद सारा अतीत मेरे आंखों के सामने आ जाएगा। सरस्वती आंटी को इस फैमिली ने जितना परेशान किया है ना, सबका बदला चुकाऊंगी मैं। और इस काम में कोयल भी मेरे साथ है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।